आज का जो वीडियो है इसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जिसका नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला ड्रग है और एक इमरजेंसी में यूज़ होने वाला ड्रग है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आप आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि ये जो ड्रग है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो ड्रग है ये एंटी कोलिनर्जिक है। जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट रहते हैं, एक रहती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसे कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम है इसके जो एक्शंस है ये ड्रग ब्लॉक कर देता है, इसीलिए ये जो ड्रग है ये कहलाता है एंटी कोलिनर्जिक। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ऐसा है कि इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम है इसके दो टाइप के रिसेप्टर्स रहते हैं, एक रहते हैं मस्कैरिनिक और दूसरे रहते हैं निकोटिनिक। तो ये जो ड्रग है ये क्या करता है कि जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स है उसे कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज करता है। तो इसका क्या मतलब रहता है, तो दोस्तों ये एक सिनेप्स है, तो ये जो है ये एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स ऐसे रिलीज होते हैं। और जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स रहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स है ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को चिपक जाते हैं और फिर उसका एक्शन आगे होता है। तो एट्रोपिन क्या करता है कि ये जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स है इसे ब्लॉक कर देता है और इसके कारण ये जो एसिटाइल कोलिन है इसका एक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है या जो एंटागोनिज्म है ये कॉम्पिटिटिव रहता है। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि अगर ये जो एसिटाइल कोलिन है इसके मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो एट्रोपिन से अगर ज़्यादा हो गया तो ये जो एट्रोपिन है इसे ये डिस्प्लेस कर देता है और फिर एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वो शुरू हो सकता है। तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। तो इस प्रकार ये जो एट्रोपिन है ये है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। अब ये जो एट्रोपिन है ये एक अल्कलॉइड है और ये डिराइव किया जाता है एट्रोपा बेलाडोना, ये जो प्लांट है इसमें से ये जो ड्रग है वो डिराइव किया जाता है। ये जो ड्रग है इसकी अवेलेबिलिटी ऐसी है कि ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहता है या फिर आई ड्रॉप्स या आई ऑइंटमेंट के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो इंजेक्शन फॉर्म में जो है इसके दो प्रकार रहते हैं, एक तो हमें एम्प्यूल मिलती है जिसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है 0.6 मिलीग्राम पर एमएल, या फिर हमें 100 एमएल की वायल मिलती है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन रहता है 1 मिलीग्राम पर एमएल। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो ड्रग है ये हमें मार्केट में अवेलेबल रहता है। अब अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये जो ड्रग है ये एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, इसलिए जब भी हम ये जो ड्रग है ये हम जब आई ड्रॉप करके डालते हैं तो ये रैपिडली कॉर्निया के थ्रू बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है और इसका जो टी हाफ है वो 3 to 4 hours है। अब हम आते हैं आज के वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि ये जो ड्रग है इसके बॉडी में इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसके जो भी इफ़ेक्ट्स है वो कोलिनर्जिक सिस्टम के जो इफ़ेक्ट्स है उसके एग्जैक्टली अपोजिट रहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसे ये स्टिमुलेट कर देता है, इसे एक्टिवेट कर देता है। उसके कारण पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वो डिसओरिएंटेशन उसको हो जाता है और पेशेंट को हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि जो हार्ट रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इसके कारण पेशेंट को टैकीकार्डिया होता है और फिर पेशेंट को पाल्पिटेशंस भी फील होते हैं। आँखों में क्या होता है कि मिड्रियसिस होता है और साइक्लोप्लेजिया होता है, मतलब हमारे जो प्यूपिल्स है वो डायलेट होते हैं और प्यूपिल्स डायलेट करने वाली जो मसल्स है वो भी पैरालाइज हो जाती है। इसके कारण फिर पेशेंट को फोटोफोबिया होता है, जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा तेज दिखने लगती है और पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन भी होता है।
इसके जो स्मूथ मसल्स है उस पर भी एक्शन रहते हैं, और जो भी बॉडी के जो स्मूथ मसल्स है इसे ये रिलैक्स कर देता है। उसके कारण क्या इफेक्ट होता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में इफेक्ट ऐसा होता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लंग्स में इफेक्ट इसका ऐसा होता है कि जो ब्रोंकियोल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, यानी ब्रोंको डायलेटेशन होता है। और यूरिनरी ब्लैडर में इसका इफेक्ट ऐसा है कि उसके मसल्स रिलैक्स होने के कारण पेशेंट को रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है। फिर बॉडी के जो कुछ ग्लैंड्स है इनके सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स मतलब पसीना कम होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारा जो माउथ है उसमें सलाइवा सिक्रीशन कम हो जाता है, यानी फिर ड्राई माउथ के सेंसेशन होता है। फिर आंसू आना कम हो जाते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स पे इसका इफेक्ट होता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कम हो जाते हैं और ट्रकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस भी कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो एयरवेज है उसमें जो सिक्रीशंस है वो ड्राई भी हो सकते हैं। इसका और एक इफेक्ट ऐसा है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड से जो पसीना है वो इसका सिक्रीशन होना बंद हो गया है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब भी हम पेशेंट को एट्रोपिन देते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ रहता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसके यूजेस क्या है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इमरजेंसी में जो यूज़ होता है वो है कि इट इज़ यूज्ड एज ए कार्डियक वेगोलाइटिक, मतलब हमारा जो हार्ट है उस पर जो वेगस का इफेक्ट है, मतलब वेगस क्या करता है कि हार्ट रेट कम करता है, तो ये जो वेगस का इफेक्ट है इसे ये ड्रग बंद कर देता है, मतलब जो ब्रैडीकार्डिया है उसे कन्वर्ट कर देता है टैकीकार्डिया में। तो कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है कि जब भी पेशेंट को साइनस ब्रैडीकार्डिया होगा तो वहाँ पर हम एट्रोपिन देते हैं, और अगर अर्ली जो हार्ट ब्लॉक्स है वहाँ पे भी हम एट्रोपिन दे सकते हैं। तो इसमें हमें पेशेंट को 1 ml ड्रग देना है, और उससे अगर इफेक्ट नहीं आया तो हम थोड़ा और इसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि ये जो ड्रग है ये एटलीस्ट हमें 1 ml तो देना ही चाहिए। कोई कोई लोग ऐसे करते हैं कि 0.5 ml दे के देखते हैं, लेकिन इससे उल्टा इफेक्ट होता है। अगर ये जो ड्रग है हमने 1 ml से कम दिया तो पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया भी हो सकता है, क्योंकि जब हम कम डोज देते हैं तो प्री सिनेप्टिक भी मस्करेनिक रिसेप्टर्स रहते हैं वो इसमें ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन का ज़्यादा सिक्रेशन होता है और फिर मस्करेनिक इफेक्ट बढ़ के पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया होता है। इसलिए हमें आधा अधूरा डोज न देके कम से कम पेशेंट को 1 ml तो भी एक बारी में देना पड़ता है। दूसरा उसका जो यूज़ है वो ऐसा है कि टू एंटागोनाइज मस्करेनिक इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स। तो कौन से पॉइजन में ये यूज़ होता है, ये हमें यूज़ करना पड़ता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में, जहाँ हम ये जो ड्रग है ये एंटीडोट करके यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो ड्रग है ये कुछ ड्रग्स का साइड इफेक्ट कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब भी हमें कोबरा पॉइजनिंग का पेशेंट रहता है उसमें हम उसे नियोस्टिग्मिन देते हैं, और जो नियोस्टिग्मिन का साइड इफेक्ट है वो कम करने के लिए फिर नियोस्टिग्मिन के साथ साथ हमें एट्रोपिन भी देना पड़ता है। फिर ये जो ड्रग है ये एज अ प्री एनास्थेटिक भी यूज़ किया जाता है। कुछ जो एनास्थेटिक ड्रग्स है वो सलाइवेशन बढ़ाते हैं, ट्रकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस बढ़ाते हैं, तो ये जो सब साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम करने के लिए एज अ प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन भी हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। फिर इसका जो यूज़ है कुछ जो आँखों की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, जैसे आयराइटिस, कोराइडाइटिस, आयरिडोसाइक्लाइटिस, उसमें जो प्यूपिलरी मसल्स है उन्हें आराम देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। जो एट्रोपिन है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, मतलब 5 से 7 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है, और इसी कारण जो ऐसी जो कंडीशंस है वहाँ पे हम एट्रोपिन एज अ मिड्रियाटिक एंड साइक्लोप्लेजिक यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो ड्रग है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो इसका जो मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है नैरो एंगल ग्लॉकोमा। ऐसा जो ग्लॉकोमा है इसमें अगर हमने ये जो ड्रग है वो यूज़ किया तो जो इंट्राओक्युलर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और पेशेंट को विजन के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो नैरो एंगल ग्लॉकोमा में ये जो ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। साथ में अगर पेशेंट को प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है
तो वहाँ पे भी ये जो ड्रग है ये कॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेशेंट को फिर रिटेंशन होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने एट्रोपिन के बारे में जानकारी ली है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, उसके बॉडी में अलग अलग एक्शंस कैसे होते हैं और उसके यूजेस क्या है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है ये आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली, तो आपके दोस्तों के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए, और ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।